हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार करते हैं। नए दिन की नई शुरुआत, तो हम सब बढ़िया हैं। कैसे हैं? तो दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 5, तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत मैं फिर से कर लेती हूँ, तो बने रहे पूरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, बजा है अभी शाम का 5 और हल्की फुल्की हो रही है बारिश। यहाँ पर अभी भी हल्की फुल्की बारिश, बादल छाए हैं पूरे दिन भर, पूरी धूप नहीं खिली थी आज भी। तो दोस्तों, अपने यहाँ का अपडेट ज़रूर बताएगा कि आपके यहाँ का मौसम का हाल क्या है। तो दोस्तों, इसने घर के कामकाज वालों की तो पूरी तरह से परेशान करके रखा है सब लोगों को, क्योंकि आजकल लोग है असोस का महीना और धान काटने हो रहे हैं, गाजू काटना हो रहा है। तो हम लोगों का क्या, हम लोग तो बैठे हैं फिर भी परेशान है। वो लोगों को देखिए जो खेतों में काम कर रहे हैं, जिनकी गाय भैंस हैं, उनके लिए क्या स्थिति है ये सोचिए। कैसा मौसम हो गया आजकल बारिश जो कि बहुत कम होती है, पर क्या करें, ऊपर वाले से कौन जीत सकता है, जो होना होता हो तो होके रहता है। तो दोस्तों, आज हमें जाना है कहीं एक छोटे से बेबी को देखने के लिए। बेबी हुआ है किसी का हमारे पड़ोस में, तो आपको पता है कि हमारे वहाँ क्या रिवाज है। आपके वहाँ क्या रिवाज है जरूर बताएं। मैं अपने वहाँ के रिवाज बताती हूँ कि हमारे वहाँ जाते हैं दूध देने के लिए, तो हम जा रहे हैं बच्चे को दूध देने के लिए। आज बच्चे के हो गए 7-8 दिन पैदा हुए, तो हम लोग को बीच में समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। और तो बने रह रहे मेरे शांत, वहाँ का भी मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाऊंगी। तो हम लोग जा रहे हैं अभी। जिनके वहाँ बच्चा है उनके वहाँ भाभी लगी है आगे से रास्ता, पीछे पीछे मैं चल रही हूँ भाभी के। तो आजकल रास्ते भी बहुत फिसलने वाले हैं, काई लगी है बारिश की वजह से। मेरा फूल हो रहा है, तो देखिए पूरी काई काई लगी हुई है रास्ते में। नीमा दी लोग चले गए होंगे, किसो को आज दूंगा कजन आज दूंगा लोनी दी। तो देखिए आज का अपडेट यहाँ का मौसम का है। आज मैं दिखा रही हूँ ऊपर साइड से, जहाँ हम जा रहे हैं उसी ओर से। तो ये देखिए, और यह है दीदी का घर, नीमा दीदी का घर। उनको हम आवाज़ लगा रहे हैं, सुन नहीं रही हैं। ओ नीमा दी मैं ले आओ ऊंसा कुछ बल हम सन हम हाँ, ये खुदाई हुआ है क्या? हाँ, हमारा तो इस बार हुए नहीं, हमारा भी अंधा दूर, तो हमारा तो एक भी नहीं हुआ इस बार। तो ये देखिए कितना सुंदर बगीचा है हमारे, ये है बॉन्डरी बगल में सुभाष भैया लोग का है। ये और कुछ सो नहीं कर पाए बड़े बेटे, स्वास्थ्य ढीला था इसकी वजह से। तो दोस्तों, सामने जो छत दिख रही है हमारी, बगल में भाभी लोग का है। हम लोग गए थे बच्चे को देखने, उसके बाद हमने कहा आज हम इनके यहाँ भी चले जाएं, इसी बहाने फूल देखे आए। वृक्ष प्रेमी फूल प्रेमी है भैया। तो ये है भैया का पॉली हाउस, भैया ने भी लगा रखा है इसमें हरी सब्जी वगैरह, मेथी वेथी सब लगा रखी है, काफ़ी मेहनत कर रखी है भैया ने। ये देखिए, और जो आप बांस के डंडे देख रहे हैं, इसमें इन्होंने लगाया था मशरूम। हमने भी खूब मशरूम खाया, मशरूम भी लगाया है, थोड़ा यहाँ क्लाइमेट की दिक्कत की वजह से तो नहीं हो पाए, पर हुए एक बार के। तो उसे देखिए कितनी सुंदर बागवानी है, और पूरा इनका ये है पॉली हाउस। ये देखिए,
तो हम लोग जा रहे हैं घर को, और हम तो निकाल के ला रहे 3-4 पेड़ तुलसी के, हमने तुलसी लगानी है। बारिश आने लगी फिर से, तो सामने आपको दिख रहा जो धारा है, पानी का स्रोत है हमारे यहाँ पर का। फिर भीग गए दोस्तों, बारिश ने 2-3 इंच बड़ा गंदा कर दिया है। और ये रहा हमारा घर, दोस्तों ये देखिए हमारे मोहल्ले का रास्ता ऐसा है ये। कमेंट करके बताएगा कि आप भी ऐसे रास्ते में चलते हैं कभी, पूरा पानी पानी है। और जो ग्रीन वाला है मेरा घर दिख रहा है, और भाभी तैरते हुए जा रही है पानी में, किसी से मैं तैर रही हूँ उनको। यहाँ पर पानी का स्रोत है तो उसकी वजह से पानी रहता है, रास्ता ढंग का बना नहीं है। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं घर, और अप्पू कर रहा हमारा इंतजार। ये देखिए ये किसके लिए, ताई के लिए भौंक रहा, ताई जी के लिए भौंक रहा, ताई जी के लिए, ताई जी के लिए भौंक रहा, ताई जी के लिए भौंक रहा। बल बल आठ बल 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 आठ अनु के बलबलाट, अनु के हो गए बलबलाट, हम घर पहुंच गए हैं। खोल खोल गेट, खोल गोट के गेट, खोल खोल भी गेट, खोल खोल ना, खोल तो सही, खोल भौंकना ही भौंकना आता है तेरे को, और कुछ नहीं आता है, हल्ला करना। चलो चलो गेट से बाहर नहीं, अंदर चलो चलो। लोग पहुंच गए घर, बारिश फिर आने लगी है काफी तेज। और लगाती हूँ मैं तुलसी के पेड़, ये पता नहीं मेरी तुलसी सूख चुकी थी, इसी में मैंने जो मैं तुलसी के पेड़ आए थे वो लगा दिए हैं। अब डाल देती हूँ पानी, लग तो जाएंगे, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पर सूख जाता है, क्लाइमेट का अंतर है क्या है जाने। तो दोस्तों सब्जी वगैरह काट दी है, तुरई और पहाड़ी तुरई और आलू, और आटा गूंदा ही है।